टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ये बच्चियां अमरूद तोड़ने के लिए बाग में गई थी और इनकी उम्र 6 से लगभग 8 वर्ष बताई जा रही है। लड़कियों के साथ दरिंदगी की खबर आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा के उमरी बेगमगंज का बताया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ गोंडा से संवाददाता हामिद अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हामिद अली, बताइए क्या है ये पूरा मामला और ये दोनों बच्चियों के साथ कैसे दरिंदगी की गई और कौन है वो, क्या गिरफ्तारी उसकी हो पाई है? जी, आपको बताना चाहेंगे, थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र के गांव का एक मामला है जहां दो बच्चियां अमरूद तोड़ने गई थी। वहां पे एक दरिंदा था जो दरिंदगी को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गया। क्या इस पे मामला दर्ज किया गया है? आरोपी को गिरफ्तार किया गया क्या है? हाँ, जब दरिंदगी की खबर परिजनों को लगी, बच्चियों ने बताया और उसके बाद थाना उमरी बेगमगंज में इसकी तहरीर दी गई जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया और आरोपी वहां से भागने के फिराक में था। गिरफ्तारी हुई उसकी? हाँ, थाना से गिरफ्तारी हो गई है उसके, जो है रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी। थाना प्रभारी निरीक्षक रतन पांडे जी ने टीमें लगाई और सारी टीमें लगा करके और मस्किनवा से गिरफ्तार कर लिया, मतलब मुंबई जाने के प्रयाग में था। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया गया मस्किनवा रेलवे स्टेशन से? हाँ, मस्किनवा रेलवे स्टेशन से। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थे हामिद अली जो गोंडा से जानकारी दे रहे थे। बहरहाल आरोपी भागने के फिराक में था लेकिन उसे मस्किनवा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है और क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है वो भी सुनिए। आज दिनांक 11/9/20 को समय लगभग 12:05 बजे थाना उमरी बेगमगंज गोंडा को एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई जिसमें थाना क्षेत्र की दो बच्चियों जिनकी उम्र लगभग 6 व 7 वर्ष है, इनके साथ इनके गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई। प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।